और आज विषय भी बहुत सुंदर रखा है कि प्रॉस्पेरिटी इन बिजनेस विद द ट्रेजर्स ऑफ ब्लेसिंग्स ये विषय में दो हिस्सा है एक है कि बिजनेस के माध्यम से समृद्धि को अनुभव करना जीवन में प्राप्त करना और दूसरा है दुआओं का ख़जाना और ये ज़रूर है कि जीवन के अंदर जैसे कहा कि क्या चाहिए हमें हर इंसान जीवन के अंदर सुखी होना चाहता है खुशी चाहता है सक्सेस चाहता है ऐसी अनेक ऐसी बातें चाहता है और ये सारी लिस्ट को अगर देखा जाए तो ये भौतिक है या आध्यात्मिक है शांति खुशी ये सब भौतिक है या आध्यात्मिक है हाँ उसको प्राप्त करने का अनुभव करने का जो तरीका है वो तरीका है कि धन जरूरी है और उस धन की प्राप्ति के लिए ही बिजनेस लोग करते हैं लेकिन वो बिज़नेस में हमेशा एक बिजनेसमैन के दिमाग के अंदर यही रहता है कि अधिक से अधिक धन मुझे प्राप्त हो इसके लिए कहाँ इन्वेस्ट करता है कहाँ इन्वेस्ट करता है जहां उसको मौका मिलता है और महसूस होता है यहां से धन उपार्जन सहज है तो वहां पर इन्वेस्ट करता जाता है ठीक इसी तरह कम से कम ये चॉइस हम अपने जीवन के अंदर जरूर रखें कि जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वहां से दुआएं भी सहज हमारे जीवन में आ सकती है दुआएं कमाना सहज है या धन कमाना सहज है क्या कहेंगे दुआएं कमाना सहज है या धन कमाना सहज है क्या समझते हो दुआएं कमाना सहज है और धन कमाना मुश्किल है कि धन कमाना सहज है और दुआएं कमाना मुश्किल है दुआएं कमाना आसान है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड देखो दुनिया के अंदर भी एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत जो दिखाई देता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के पैर छूता है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पैर छूते हैं ना बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहते दुआएं क्या होती है आशीर्वाद कहो शुभ भावना कहो शुभकामना कहो ये सारा दुआओं के तरफ आता है तो जब भी कोई किसी के भी पैर छूता है कोई बड़े बुजुर्गों के पैर छूता है यही कि आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उसको झुकना जरूर पड़ता है पैर छूने के लिए झुकना जरूर पड़ता है खड़े खड़े अगर ऐसे ही करें तो क्या दुआएं मिल जाएगी आशीर्वाद मिलेंगे तो आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जैसे झुकना पड़ता है ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी दुआएं कमाने के लिए क्योंकि दुआएं की भी एक कमाई है दुआएं कमाने के लिए भी जीवन में नम्रता निर्माणता आवश्यक है अहंकार व्यक्ति को कभी दुआएं कमाने नहीं देता है बहुत सुंदर जब वो भाई ने सुना रहे थे कि वो इनोसेंस थी जो हमने उस व्यक्ति को बैंगलोर तक पहुंचा दिया आपने समय से पहले लेकिन आज अगर वही किस्सा हो तो शायद हम दस तरीके अलग अलग अपना लेते हैं उसको प्रलोभन दे देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ईगो बीच में आ रहा है और जैसे ही वो ईगो बीच में आता है तो वो इनोसेंस हमारी खत्म कर देता है वो हमें दुआएं कमाने नहीं देता है हम सोचते हैं कि भाई कहाँ तक हम करते रहेंगे कहाँ तक हम दौड़ते रहेंगे तो इसीलिए जीवन के अंदर दुआओं को कमाने के लिए भी जितनी जीवन के अंदर निर्माणता है नम्रता है ह्यूमिलिटी है व्यक्ति के अंदर उसको हर एक से स्वतः दुआएं मिलती जाती है लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर दुनिया के अंदर है तो वह है ईगो प्रॉब्लम और वो ईगो प्रॉब्लम के कारण ही शायद शायद वह कई जगह से दुआओं से वंचित हो जाता है वो आशीर्वाद प्राप्त करने से वंचित हो जाता है तो इसीलिए क्यों नहीं हमेशा हम जीवन के अंदर इस विधि को अपनाएं कि अधिक से अधिक हम दुआएं कमाएं क्योंकि जैसे कहा कि हर बिजनेसमैन ये जरूर सोचता है इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कहां से कर कहा करना होता है जहां से मैक्सिमम उसको रिटर्न्स मिलता हो आज एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले ले कि गुस्सा आता है आता है गुस्सा सभी को आता है गुस्सा अच्छा गुस्सा करने में कितनी देर लगती है इमीजिएट एक रिएक्शन निकलता है किसी ने कुछ भी किया शायद मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के, लेकिन एकदम एक रिएक्शन निकलता है गुस्सा आता है और जैसे ही गुस्सा आता है तो गुस्सा करने में कितनी देर लगती है आधी मिनट थर्टी सेकंड्स के अंदर आपको गुस्सा आ गया या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कुछ हुआ और एकदम गुस्सा निकल आया और वो गुस्सा शायद आपने ज़्यादा देर नहीं किया एक मिनट दो मिनट पांच मिनट के लिए गुस्सा किया अब जिस पर गुस्सा किया मान लो कि आप ऐसी गैदरिंग में थे कई लोग थे और उस समय एकदम इम स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन निकलता है और गुस्से के रूप में निकलता है अब जब वो गुस्सा निकला बाहर दस लोग देख रहे थे अब जिसको भी जिसके ऊपर भी वो गुस्सा किया उसको हर्ट होता है हर्ट होता है अब वो हर्ट कितना समय तक रहता है कितना समय तक रहता है जिंदगी भर जिंदगी भर वो भूल नहीं सकता है कि फलाने स्थान पर ये व्यक्ति ने अननेसेसरी मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया हो सकता है कि राइट भी हो चलो उसी कोई गलती हो गई हो और गलती होने के कारण आपने गुस्सा किया लेकिन वो अंदर में सोचता है अरे बाद में भी मुझे कह सकते थे बाद में भी मुझे समझा सकते थे मैं थोड़ी कोई उसके विरुद्ध जाऊंगा लेकिन सबके बीच में मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट उसने हर्ट कर दिया वो जिंदगी भर याद रहता है और गुस्सा किया पांच मिनट और वो पांच मिनट जो आपने गुस्से के अंदर इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न्स कितना मिलता है हर बार जब वो व्यक्ति आपका चेहरा देखता है उसको वो घटना याद आ जाती है हर बार उसके अंदर से क्या निकलता है पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं या नेगेटिव वाइब्स निकलते हैं तो आपने इन्वेस्ट क्या किया और उसका रिटर्न्स क्या मिल रहा है बिजनेसमैन अगर पक्का है तो शायद वो रिटर्न्स में भी जो उसको प्राप्त हो रहा है नेगेटिव वाइब्रेशन अब वो नेगेटिव वाइब्रेशंस उसके जीवन के अंदर कितनी जगह अड़चने डाल सकता है कितनी जगह वो अड़चने जो आती है जीवन के अंदर उसका कारण कहीं न कहीं वो जो गुस्से के अंदर पाँच मिनट का जो इन्वेस्टमेंट था लाइफ टाइम और जब मौका मिलता है वो रिटर्न कहीं ना कहीं कर्म फिलोसफी के हिसाब से वो कहीं ना कहीं, कहीं रिटर्न तो होगा या नहीं होगा और हर बार वो व्यक्ति जब नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके लिए क्रिएट करता है या जहां भी मिलता है अरे जाने दो ये व्यक्ति के बारे में कोई बात ही ना करे तो अच्छा है उसको इतना ईगो है अपना जो दूसरे को तुच्छ समझता है और जितना ये नेगेटिव बोलता है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है या नहीं करता है लाइफ में जरूर करता है आज मान लो कि आप कई बार जीवन में अनुभव करते हैं कि कुछ हुआ भी नहीं और पता नहीं आज फिर भी बहुत लो फील कर रहे हैं क्यों ऐसा अनुभव होता है कहीं न कहीं वो व्यक्ति के नेगेटिव वाइब्रेशंस मेरे जीवन के अंदर एनर्जी हाई फील नहीं होने दे रहा है वो नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझे लो फील कराता ही है ये इन्वेस्टमेंट सही है यह इन्वेस्टमेंट जो हमने किया वह हमें क्या दे रहा है लेकिन अगर उसी वक्त चलो कुछ हो गया वह व्यक्ति से गलती हो गई और आपने उसको कह दिया कोई बात नहीं ठीक हो गया कोई बात नहीं हो गई ना गलती कोई बात और सबके बीच में भी उसका स्वमान बना रहे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे उस हिसाब से कि भाई हर बार तो तू अच्छा ही करता है कभी हो जाता है उसमें क्या हो गया दूसरों के सामने भी उसकी इज्जत को बनाए रखा अब ये जो आपका व्यवहार है वो क्या रिटर्न्स देगा हर बार जब वो आपके बारे में सोचेगा तो क्या सोचेगा अरे भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है मेरे से गलती हो गई तो भी उसने मुझे डांटा नहीं मुझे इतना अच्छा फील करने दिया सबके बीच में मैं खुद को ये समझ रहा था अरे मेरे से गलती हो गई मैं बार बार सोच और वो मुझे आश्वासन दे रहा था नहीं नहीं सॉरी क्या फील कर होता है कई बार ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो हो जाता है तू माइंड नहीं करो अब उसके जो रिटर्न मिल रहा है पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा नेगेटिव वाइब्स मिलेगा पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा और वो पॉजिटिव वाइब्स जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपको जीवन के अंदर लो फील कराएगा या हाई फील कराएगा जैसे जीवन के अंदर कभी ऐसे मौके भी आते हैं कि बैठे हैं आप अकेले में हैं लेकिन फिर भी एक बड़ी सुकून की फीलिंग मिल रही है बड़ा अच्छा लग रहा है ये जो बड़ा अच्छा लग रहा है ये क्या है किसी के पॉजिटिव वाइब्स जो मेरे कोई कर्म द्वारा मैंने इन्वेस्ट किया था वो जो प्राप्त हो रहा है वो मुझे अप फील करा रहा है बहुत अच्छा महसूस करा रहा है तो इसीलिए जीवन के अंदर यह फील करना यह सबसे बड़ा ट्रेजर है मेरे लिए पैसे से भी अधिक ट्रेजर यह सुकून है पैसे तो कहां से भी आ जाएंगे पैसे कमाना आसान है पैसे कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन दुआएं हर जगह से नहीं मिलती ये तभी मिलती है जब हमारे अंदर वो व्यवहारिक कुशलता इसीलिए गीता के अंदर बहुत सुंदर ये बात कही है गीता में यही कहा कि योग माना क्या जो कर्म में कुशलता ले आता है और आज के युग में शायद यही मिसिंग है कार्मिक कुशलता व्यवहारिक कुशलता ये मिसिंग हो रही है तो इसलिए कहा बिजनेस व्यक्ति कर लेता है धन आ जाता है अच्छा उस धन से उस धन का प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से ले आता है मान लो कि कहीं गलत तरीके से भी अगर वो धन आ गया धन तो आ जाएगा कोई भी तरीके से धन आ जाएगा धन कमाना मुश्किल नहीं है आसान है लेकिन वो धन से आपने अनाज खरीदा उससे भोजन बनाया वो अन्न का प्रभाव मन के ऊपर होता है और वो मन का प्रभाव तन के ऊपर आता है इसलिए कहा जाता है तन मन धन का बहुत गहरा संबंध है बहुत गहरा संबंध है जिस तरीके से धन आया लेकिन अगर वो मीन्स सही नहीं है तो उसका प्रभाव मन के ऊपर आएगा अन्न के ऊपर आया अन्न का प्रभाव मन के ऊपर आया और मन का प्रभाव तन के ऊपर आएगा इसलिए तो दुनिया में भी लोग ये बात कहते हैं कि जिस तरीके से धन आता है उसी तरीके से जाता भी है कई बार कई लोग कमाते हैं क्या सोचते हैं अरे भाई इतना तो बचा के रखना पड़ेगा कभी कोई बीमारी आई कभी कुछ हुआ तो उसके लिए भी चाहिए ना इसलिए उसको बचा अब जब आपने वाइब्रेशन ही ये डाल दिया कि बीमारी आएगा तो ये धन अब वो धन कहाँ यूज होगा कहां यूज होगा बीमारी के लिए मैंने उसको रख दिया ना जब बीमारी के लिए मैंने उसको जमा कर दिया बैंक में तो बीमारी आना बीमारी को पहले से भी इन्वोक कर लिया हमने और जब बीमारी को पहले से ही इन्वोक कर लिया तो बीमारी तो आनी स्वाभाविक है यह तो आना ही है तो इसीलिए जिस तरीके से धन आता है वो हमारे तन मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता ही है और उसी के आधार से अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीवन की क्वालिटी बनने लगती है अगर मुझे अपने जीवन के अंदर सुख शांति खुशी आनंद चाहिए तो तरीका भी तो सही होना चाहिए है ना? इसीलिए कहा धन इंसान के जीवन में आ जाता है और कई बार ये धन साधन खरीद सकता है खुशी नहीं दे सकता है खुशी के साधन खरीद सकता है लेकिन वो सारे खुशी के साधन आने के बाद भी वो खुशी का अनुभव हो सकता है दूसरा धन क्या खरीद सकता है धन जो है कई लोगों को अपना सक, अपने सर्कल में ले आ सकता है आप धन खर्च करो वो व्यक्ति आपके साथ हो जाएगा लेकिन रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकता है रिस्पेक्ट तो तभी खरीद सकता है जब व्यक्ति के ऐसे कर्म हो कि जिस कर्म के माध्यम से अपने आप हरेक के मन में वो जगह बना लेता है रिश्ते नहीं खरीद सकता है रिश्ते के अंदर जो प्यार है वो प्यार को नहीं खरीद सकता है और इसलिए कहीं ना कहीं आज प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर ये देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में न खुशी है साधन आ गए सुख सुविधा के सारे साधन है डंडलप के गद्दे पर सोने के बावजूद भी उसको चैन की नींद नहीं है नींद नहीं खरीद सकता है नींद तो तभी खरीद सकता है जब ऐसे कर्म किए हैं जिससे दुआएं उसने कमाई है वो दुआएं उसको सुकून की नींद सोने दे रही है लेकिन कहां ना कहा अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो वो मुझे नींद सुकून की दे सकता है नहीं दे सकता है इसलिए कहा आज इंसान को जीवन के अंदर क्या चाहिए खुशी चाहिए सुकून चाहिए आनंद चाहिए सक्सेस चाहिए कई बार अपने जीवन में अनुभव किया सक्सेस पाते पाते हाथ में आते आते चला गया कोई और के दामन में चला गया इतनी मेहनत किया तो भी क्यों नहीं आया और उसने कोई मेहनत नहीं की सरलता से उस सक्सेस को पा लिया कारण क्या कहीं ना कहीं दुआएं उसके सामने आ जाती है इसलिए कहा जाता है असंभव को संभव करने की ताकत धन में नहीं है दुआओं में है दुआओं में है में। पहले के जमाने में हर बिजनेसमैन कुछ हिस्सा निकालते थे दान धर्म आदि करने के लिए क्यों निकालते थे सोचते थे कि दुआएं तो प्राप्त हो जाएगी यहां दान कर दिया या को कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो मिल जाएगी इसलिए कुछ परसेंटेज कुछ हिस्सा निकाला जाता था कि ये हिस्सा जो है दान धर्म करके सोचता था कि नेगेटिव तरीके से नेगेटिव मीन से कमाया है और सोचा कि चलो इतना हिस्सा दान में दे दो ताकि वो जो नेगेटिव प्रभाव है वाइब्रेशंस का वो हमें इफेक्ट ना करे लेकिन ऐसा हो सकता है नहीं दोनों कर्म का अपना महत्व है जो आपने करप्शन के माध्यम से या नेगेटिव तरीके के माध्यम से कमाया उसका हिसाब अलग है और जो आपने दान किया उसका हिसाब अलग है कई बार कई लोग कहते हैं कि मैं इतना दान करता हूं फिर भी मेरे जीवन में वो खुशी नहीं है क्यों नहीं है जब इतना दान किया तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी तो मिलनी चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी तो इतनी है वो दोनों का जो एक लड़ाई चल रही है नेगेटिव एनर्जी की पॉजिटिव एनर्जी की तो कभी कभी वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है और पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव कम होता है क्योंकि शायद इतना मिला नहीं वो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल याद आता है कि एक बार आ, एक भाई ने गाड़ी खरीदी बहुत अच्छी मर्सिडीज गाड़ी लेकर के आए और सोचा कि चलो पड़ोसियों को पेड़ा बांट ले बांट लेते हैं हा? उनको भी मालूम पड़े कि ये पेड़ा किस लिए है तो दिखावे के लिए वो पड़ोसी के घर में जाता है पेड़ा बांटने के लिए और कहता है कि ये पेड़े हैं हमारी नई गाड़ी आई है मर्सिडीज़ गाड़ी आई है तो उसके निमित्त हाँ, खुशी आप सबके साथ हैं हाँ बहुत अच्छी बात पड़ोसी ने भी बहुत अच्छे से खुशी से उसको बधाई दिया सब कुछ किया और जैसे ही वो निकला तो पीछे से कहते हैं जरूर कुछ काले काला सफ़ेद किया होगा तभी आई गाड़ी नहीं तो इतनी कमाई में कहाँ से गाड़ी आ जाती अब ये पॉजिटिव ऊर्जा मिली या नेगेटिव ऊर्जा मिली बताओ तो कई बार हम पॉजिटिव कर्म करने के प्रयत्न करते हैं लेकिन उसमें जब दिखावा आ जाता है तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के बजाय नेगेटिव वाइब्रेशंस ही उसमें भी जुड़ जाते हैं तो पॉजिटिव का फोर्स कम हो जाता है जैसे वो शास्त्रों में कहानी आती है कि देव और असुरों का जब मंथन चला सागर मंथन चला तो देवों की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों की शक्ति बढ़ रही थी तो इसी तरह जीवन के अंदर भी अधिकतर हमारे जीवन के अंदर अगर हम देखें तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा कमाई है या पॉजिटिव एनर्जी कमाई है पॉजिटिव देवों के बराबर है नेगेटिव एनर्जी असुरों के बराबर तो असुरों की शक्ति कभी कभी बढ़ जाती है इसलिए हाथ में सक्सेस आते आते निकल गया बैठे हैं अच्छी तरह से हम खा पी रहे हैं परिवार के अंदर सब कुछ हो रहा है और अचानक पता चलता है कि भाई इसको कैंसर हो गया एकदम वजन कम होने लगा कैंसर हो गया क्यों हुआ फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है क्यों हुआ ऐसी तो कोई हमारी दिनचर्या नहीं है ऐसी द... लेकिन कर्म कर्म कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा इसलिए कहा जाता है कि कर्म की गति अति गुह है और वो गुह गति को हमने समझा नहीं है इसीलिए धन जब आ जाता है लेकिन उस धन के बाद कौन सी एनर्जी काम कर रही है उसको समझना जरूरी है लाइफ तो जितना हो सके सही तरीके से भाई ने कहा इनोसेंस बनी रहे इनोसेंस के साथ साथ वो ह्यूमिलिटी बनी रहे हाँ वो इनोसेंस के अंदर ह्यूमिलिटी समायु वो प्योरिटी जितनी वो प्योरिटी होगी हर कर्म में धन कमाने में भी तो उसका भले धन कमाएगा लेकिन शायद दुआओं का पावर बहुत अधिक होगा और वो दुआओं का पावर बहुत कुछ हासिल करा सकता है जो धन की शक्ति हासिल नहीं करा सकता है ये हमें स्मृति रहे तो प्रॉस्पेरिटी इन बिजनेस भी तभी हो सकती है जब हमारे साथ जो भी है बिजनेस में उसकी भी दुआएं लेकर के हम चले और वो दुआएं ही प्रॉस्परस करेगा बिजनेस के अंदर भी वो प्रॉस्परिटी को ले आएगा लेकिन कभी कभी धन का नशा भी ऐसा होता है वो धन का नशा व्यक्ति को कई गलत कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है वो धन कई बार आता भी गलत रास्ते से है तो जाता भी गलत रास्ते की ओर है और इसीलिए जीवन के अंदर देखा जाता कि उसका सुकून व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता है लाइफ में अनेक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है अनेक विघ्न क्रिएट हो जाता है ये विघ्न क्यों आ रहे हैं ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है कहीं ना कहीं कहावत बहुत सुंदर है ये कि प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड कमजोर दिमाग की उपज है अब वो कमजोर दिमाग क्यों हुआ कमजोर दिमाग इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं धन ऐसे रास्ते से ही आया है। आज दुनिया के अंदर इतने डिप्रेशन के शिकार क्यों बन रहे हैं कभी सोचा जिसको देखो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है डिप्रेशन का कहीं माता पिता बहुत शाहूकार है बहुत अच्छे बहुत अच्छा कमा रहे हैं सब कुछ लेकिन उनके बच्चे देखो टॉप स्कूल्स में पढ़ाया जाता है टॉप कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उसके बाद भी वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया क्यों डिप्रेशन का शिकार हो गया स्कूल में हमेशा टॉप किया 98 परसेंट के आसपास ही लाता रहा उसके कारण टॉप कॉलेजेस में पढ़ाया उसको वहां पढ़ाने के बाद वहां इतना कंपटीशन हो रहा था जो उसको उस प्रेशर को झेल नहीं पाया वो बच्चा और डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा है और उस समय माता पिता को लगता है कि भाई क्या बात है बच्चे की ये हालत क्यों हो रही है लेकिन ये पता लगाया कि आया कहां से वो धन पहले के जमाने में जब परिवार इकट्ठा रहता था दादा दादी म, पिताजी माँ बच्चे सारे हम चाचा चाचे सब साथ में रहता था बड़ा परिवार होता था और बड़े परिवार में दस बारह बच्चे होते थे शाम का समय होता था तो दादा वो सबसे छोटे बच्चे को लेकर के पोते को लेकर के कहते चल घुमाने ले जाता हूँ कुछ बच्चे को जो छोटे थे सारे उनको घुमाने ले जाते कहाँ ले जाते थे कहाँ पर घुमाने ले जाते थे मंदिर मंदिर तक ले जाते थे और मंदिर में जाकर के दादाजी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया तो ये देखकर वो पोता भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता है अगर दादाजी ने साष्टांग प्रणाम किया तो उसको देखकर वो पोता भी साष्टांग प्रणाम करता है देख देख करके फिर दादाजी ने अपने जेब से एक रुपया निकाला और दान पेटी में डाला ये देख करके वो पोता क्या करता है दादाजी का वो शर्ट खींचता है दो मुझे भी दो मुझे भी डालना है और उसको दस पैसा हाथ में पकड़ा दिया उसको ये पता नहीं है दस पैसा है एक रुपया है क्या है लेकिन जब वो भी डालता है उसको जो खुशी होती है वह कई गुना अधिक होती है ना कई गुना अधिक हो जाती है और फिर वापस थोड़ी देर वहां उस वाइब्रेशन में बैठ करके घर आ जाते थे ये पहले के संस्कार देने का एक तरीका था और बड़ी खुशी मिलती थी उस समय इतने डिप्रेशन के पेशेंट्स नहीं होते थे बच्चे भी बहुत खुशी से बड़े होते थे क्योंकि कमाई प्योर मीन्स से हो रही थी लेकिन आज की दुनिया में न्यूक्लियस फैमिलीज हो गए न्यूक्लियस फैमिली शहरों में रहते माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं बच्चे घर में अकेले हैं अब कोई मंदिर ले जाने वाला नहीं है उन बच्चों को अब शाम को पिता घर में आता है माँ भी आती है वो तुरंत अपना सामान रख करके खाना बनाने की तैयारी में या तो चलो खाना बनाने वाला कोई भी होगा माँ और पिता आए टेंशन हो गया बहुत आज टेंशन वाला दिन बीता पिता वो बच्चे को कहता है बेटा नीचे जाकर के एक सिगरेट का पैकेट खरीद कर ले आओ धन दिया वो सिगरेट का पैकेट खरीदने के लिए बच्चे का तन गया धन गया वो ला करके वो सिगरेट का पैकेट पिता को देता है पिता उसका धुआं निकालता है और धुआं निकालने के बाद कहता है चलो टेंशन थोड़ा कम तो हुआ माथा हल्का तो हुआ अब वो छोटा बच्चा सोचता है ये धुआं निकालने से सर कैसे कम हो गया अब जिस दिन पिता घर में नहीं है सिगरेट का पैकेट पड़ा होगा क्या विचार आएगा क्या विचार आएगा मैं भी धुआं निकाल करके देखो ये आज के संस्कार है तो इसीलिए कहा जाता है तन मन और धन तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है और इसीलिए जिस रास्ते से धन आया उसी रास्ते से जाना है वो बच्चे के अंदर भी कई ऐसी बुरी आदतें जो पहले तो मां बाप को पता नहीं चलती है सोचते पता नहीं कहां कहां से स्कूल कॉलेज में क्या क्या सीख के आता है लेकिन वो दो स्टेप आगे ही होगा आपने सिगरेट पिया वो दो स्टेप आगे ही होगा ड्रग्स तक पहुंच जाएगा वो। और उसकी जीवन की क्वालिटी क्या हो रही है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो अच्छे संस्कार नहीं मिले और अच्छे संस्कार न मिलने का कारण टाइम नहीं था हमारे पास समय नहीं था बच्चे को कहीं ले जाने का और समय न होने के साथ साथ जब अच्छी क्वालिटी लाइफ उसको मिली नहीं दुआओं की शक्ति है ही नहीं वो कमाई है ही नहीं तो क्या जीवन की क्वालिटी होगी सोचने की बात है और जैसे कहा ये दुआएं कहां काम आती है मुसीबत के समय काम आती है कई बार आपने देखा होगा कहीं रोड पर जा रहे हैं एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि गाड़ी तो एकदम जैसे स्क्रैप में ही जाने योग्य है एकदम खत्म हो गई लेकिन अंदर जो बैठे थे उनको एक खरोच तक नहीं आई खरोच तक नहीं आई और वो बाहर आ गए लोग जब देखते हैं तो क्या कहते हैं दुआओं ने बचाया है आज ये याद रखना ये दुआओं ने बचाया है नहीं तो ये हालत देख करके और जिसके पास दुआओं का खजाना नहीं होता है वो सीढ़ी उतरते उतर एक स्टेप लास्ट रह गया लास्ट स्टेप में ही उसका पैर थोड़ा ऐसे हुआ और गिरा और चला गया या छ महीने का प्लास्टर हो गया उसको क्या कहते हैं दुआएं नहीं थी ना लास्ट सीढ़ी में देखो क्या हो गया भावार्थ ये कि बड़े से बड़ी मुसीबत से अगर बचाता है तो ये दुआएं बचाती है इसलिए दुआओं की बहुत आवश्यकता है लाइफ के अंदर तब कहा धन कमाना तो आसान है धन कहां से भी आ सकता है लेकिन दुआएं कमाना इतना आसान नहीं और वो दुआएं हमें जीवन के सबसे बड़े से बड़ी परीक्षा के समय काम आती है या? और ये अनुभव मैंने खुद जीवन के अंदर किया हम लोग यहीं हैदराबाद में जब से कुलदीप दीदी हम और दूसरी दो तीन बहनें हमारे साथ थे प्रीतम बहन जी थे हम करीमनगर गए थे जो पुराने होंगे उनको याद होगा करीमनगर से जब वापस आ रहे थे तो उतने में सीएम उस समय चंद्र बाबू नायडू जी थे तो उनका कॉल आया यही शांति सरोवर की जमीन को लेकर के उनको कुछ बात करना था तो कॉल आया कि भाई अभी आधा घंटे में आपसे मिलना चाहते हैं अब करीम नगर से यहाँ आना और वो ज़माने में जब रास्ते ऐसे नहीं थे और गाड़ी हमारे पास कौन सी थी ओमनी मारुति वैन वो, ओमनी गाड़ी थी और ड्राइवर ने कहा नहीं दीदी हम पहुंचा देंगे इतना फास्ट चलाने लगा हम उसको बार बार कह रहे थे तो धीरे चला कोई बात नहीं हम नहीं पहुंचेंगे हम बाद बात का अपॉइंटमेंट ले लेंगे तुम धीरे चला नहीं नहीं मैं जल्दी पहुंचा दूंगा और हम करीमनगर से आए हैदराबाद को टच किया वो जो आ, डिफेंस का वो जो बना हुआ है वहाँ एक मोड़ ऐसा आता है एकदम और उस मोड़ में उसका कंट्रोल छूट गया और कंट्रोल छूट गया तो यह गाड़ी जो है ना रोल होते होते चार पांच रोल किया और जाकर एक खड्डे में गिरी और हम लोग कितने लोग थे पांच लोग बैठे हैं उस ओमनी गाड़ी में लेकिन पांचों में से खाली प्रीतम दीदी जो आगे बैठे थे यहाँ चश्मे लगे बस एक चश्मा थोड़ा घुस गया तो यहाँ चश्मे का एक निशान पड़ा बस वो भी खून निकला या इतना लगा हो ऐसा नहीं और एक भी दरवाजा खुले नहीं ऐसी पिचक गई थी गाड़ी खिड़की आगे का जो कांच टूट गया था उसमें से एक एक को बाहर निकाला एक एक को बाहर निकाला लेकिन किसी को एक खरोच तक नहीं किसी को एक खरोच तक नहीं जो भी देखने वाले थे वो शायद यही हर कोई कह रहा था इसमें कौन बैठा था कोई बचा नहीं होगा हमने कहा हम लोग यहीं खड़े हैं यहीं खड़े हैं कहते हैं कमाल है इतनी गाड़ी खराब हो गई स्क्रैप में ही गई लेकिन ये दुआओं की शक्ति कैसे बचाती है कि पांच लोग होने के बावजूद भी किसी को भी एक खरोच तक नहीं आए तो इसको क्या कहेंगे चमत्कार लोग कहते हैं चमत्कार हो गया चमत्कार कैसे कैसे हो सकता है चमत्कार बिजनेस में नहीं होता है चमत्कार और बातों से नहीं होता है चमत्कार मनुष्य के कर्मों से होता है कर्म की कुशलता व्यवहारिक कुशलता उसकी कितनी है उसी के माध्यम से उसके जीवन में चमत्कार होते हुए दिखाई देते हैं चमत्कार अपने आप में नहीं होता है जब दुआओं का पावर बढ़ जाता है तो चमत्कार होने लगते हैं माना जो सोचा नहीं होता है वो हो जाता है उसको कहते हैं दुआओं की शक्ति तब कहा असंभव को संभव करने की ताकत है बड़े से बड़े मुसीबत में बचाने की शक्ति है लेकिन दुआएं किसको मिलती है आवश्यकता के समय पर आपने किसी को मदद किया हो हेल्प किया हो। एक होता है जैसे कोई प्याऊ खोल देता है प्याव रख देता है जो भी आता है अपनी प्यास बुझाता है गर्मी के दिन है प्यास बुझाता है ये एक कर्म है चलो जो भी लोग आते जाते हैं उनको प्यास बुझाने का काम आपने किया दूसरा है कि कोई व्यक्ति तड़प रहा है पानी चाहिए पानी चाहिए और ऐसे समय पर आपने उसको पानी पिला दिया ये है कि आवश्यकता के समय पर जब उसको कोई चीज आपने दे दिया हेल्प कर दिया आपने उसको मदद कर दिया वो दुआएं कमाती है ये दुआएं कमाती है बाकी हां ये पुण्य का काम था प्याव खोल दिया जो आने जाने वाले प्यासे लोग थे उसको पानी मिल गया ये पुण्य था लेकिन उसमें दुआएं नहीं थी पुण्य आपका जमा हो गया लेकिन आवश्यकता के समय पर किसी को आपने मदद किया उससे जो दुआएं मिल गई उसके अंदर से पुण्य तो हुआ ही हुआ लेकिन पुण्य के साथ दुआएं जमा होना और जब दुआएं जमा होती गई आपके पास इस तरह के सिद्ध दुआएं जमा होती जब दिल से कोई आपका शुक्रिया करे धन्यवाद करे दिल से एक होता है कि ऊपर से कोई थैंक यू कह देता है लेकिन एक होता है दिल से उसके अंदर से निकलता है भले मुख से शब्द न भी सुनाई दिया लेकिन दिल से उसने आपको धन्यवाद किया शुक्रिया किया ये आपके लिए दुआ बन जाती है इसलिए कहा कि जीवन के अंदर धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है धन तो व्यक्ति के जीवन में आ जाता है लेकिन उस धन से जो समृद्धि यानी जीवन की क्वालिटी जो अनुभव करना चाहते हैं उसके लिए दुआएं कमाना बहुत आवश्यक है कई बार जैसे कहीं सोच लेते हैं यहां से कमाओ यहां देते जाओ मैंने दान किया ना पुण्य कमा लिया या दुआएं नहीं मिलती है क्या अगर इतनी सहज दुआएं मिल जाती थी फिर तो हर कोई गलत रास्ते से कमाता था दान कर देता था नहीं दोनों का हिसाब अपना अपना है जो गलत काम मैंने समझो आपको पांच रुपया दिया आपने उस पांच रुपया से दान कर दिया और फिर जब मैं मांगती हूं कि भाई मेरा पांच सौ रुपया दे दो जो मैंने आपको दिया आपने कहा वो तो मैंने दान कर दिया ना उससे तो वो आपका भी पुण्य बन गया मेरे साथ मान जाऊंगी भाई पुण्य करना होगा दान करना होगा मैं खुद करूंगी आपके कर देने से मुझे चुप तू हो गया वो पांच सौ रुपये ऐसा तो नहीं होगा मैं कहूंगी नहीं मेरे को तो आप मेरा पैसा दे दो मेरे को दान करना होगा मैं करूंगी ये मेरा पुण्य अपना मैं बनाऊंगी मुझे तो अपना हिसाब क्लियर करो तो जो मैंने दिया वो मुझे वापस चाहिए कि नहीं चाहिए क्या आपने दान कर दिया इसलिए उसमें मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए क्या करना चाहिए नहीं आप कहेंगे मैं उसमें थोड़ी संतुष्ट हूँ मैं अपने हाथों से जो करूंगी उससे मैं संतुष्ट होगी ना तो मेरा तो हिसाब क्लियर करो मेरा तो पांच सौ रुपया दे दो कहेंगे कि नहीं अच्छा जो आपने दान किया उसका आपको जो मिलेगा वो आपका खाता है लेकिन ये जो दिया वो भी वापस करना पड़ेगा तो जहां से आया वो हिसाब को भी चुप करना पड़ेगा और जो दान किया उसका भी आपको मिलेगा इसलिए आप कई लोगों को देखते हैं जीवन के अंदर सब कुछ है धन है दौलत है साधन है सुविधा है शांति नहीं है क्यों जो अच्छा कर्म किया था उसका मिल गया आपको लेकिन जो उधारी खाता था जहां से नेगेटिव एनर्जी मिली थी उसका भी आपको हिसाब चुकाना पड़ता है तो धन दौलत आदि सब कुछ होते हुए भी न शांति है न सुख है न सुकून है न आनंद है ये दोनों ही आप जीवन के अंदर देख रहे हो कि दोनों अनुभव हो रहा है इसलिए इस हिसाब को समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी ये नहीं कि भाई कोई भी रास्ते से आए मैंने दान तो कर दिया ना इसलिए मेरा सेटलमेंट हो गया भगवान के दरबार में मेरा हिसाब चुकतू हो गया ऐसे चुकतू नहीं होता है दोनों का अलग अलग हिसाब है और दोनों का हिसाब के हिसाब से ही आपको दोनों चीजें प्राप्त होगी ही हो होगी ये गारंटी है कोई चाहे या न चाहे तो भी उसको मिलेगा जरूर इसलिए दुनिया में कहा जाता है कि एक निष्कामी है तो भगवान ही है इंसान कभी भी कोई निष्कामी हो नहीं सकता क्योंकि उसका रिटर्न उसको मिलना ही है अच्छे कर्मों का भी मिलेगा तो बुरे कर्म का भी मिलेगा ये मिलना ही है कर्म की गति अति गुहे है इसको समझना जरूरी है ना तो ये दुआओं की शक्ति को अनुभव करो जीवन के अंदर जो चीज़ आपके धन नहीं कर सकती है वो चमत्कार ये दुआएं कर सकते हैं लाइफ के अंदर इसलिए इसको कमाओ जहाँ तक आप जिसको भी हेल्प कर सकते हो और दुआएं प्राप्त कर सकते हो व्यवहारिक कुशलता कर्म कुशलता के माध्यम से आप दुआएं कमा सकते हो और जिसने दुआएं कमाई होंगी ना जिस समय आपने कमाई सबसे पहला अनुभव क्या होगा आत्मसंतुष्टि आत्मसंतुष्टि यह है खुद को दुआ देना जहां जहां आपको आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है समझ लेना खुद को मैंने दुआएं दी अच्छे कर्म करके व्यवहारिक कुशलता से खुद को दुआएं देना है तो आगे की जर्नी सहज हो जाएगी दूसरा है लोगों से दुआएं कमाना वो व्यवहारिक कुशलता से ही कमा सकते हैं समय पर आवश्यकता के समय पर किसी को मदद कर लिया आ, वो दुआएं कमा लिया आपने लोगों से किसी को आपने गलत बोला नहीं उसकी गलती होते हुए भी उसको थपथपा दिया कोई बात नहीं डोंट थिंक टू मच आप आ, रहो खुश रहो होता है ऐसा ऐसे शब्द जो किसी को हील करे अंदर में वो लोगों से दुआएं कमाता है और तीसरी है ईश्वर से दुआएं कमाना ईश्वर से दुआएं कैसे कमाते हैं जब आप ईश्वर के कोई भी कार्य के अंदर सहभागी बनना कोई बड़ी बात नहीं है सहभागी तो कई बनते हैं जैसे कई लोग धर्मशाला खुलवा देते कई लोग कुछ बनवा देते हैं, कोई लोग कुछ बनवा देते हैं लेकिन एक अपेक्षा रहती है हमारी नेम प्लेट यहाँ जरूर लगनी चाहिए है ना लोगों को पता चलना चाहिए इतना सम्मान मेरा होना चाहिए अपेक्षा तो वह वहाँ ही क्लियर हो गया उसका जमा नहीं हुआ लेकिन जहां कहा जाता है ये हाथ ने किया ये हाथ को भी पता न चले वो दुआएं ईश्वर से प्राप्त कराता है जिस पर्पस के लिए भगवान ने आपको इस संसार में भेजा है वो पर्पस आपने जिया है ना भगवान ने हर एक के लिए एक पर्पस से इस संसार में हम आए पर्पस ऑफ लाइफ जीवन का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उस अनुसार वैल्यूज भी आपको दिए हुए हैं कईयों के अंदर आप देखेंगे रहम भावना होती है कल्याण की भावना होती है बहुत अच्छा शुभ भावना सबके लिए होती है और वो उस अनुसार किसी को हेल्प करते धन से नहीं किसी के शुभ भावना देते हुए रहम की भावना से तो जो पर्पस आपके लिए है जो उद्देश्य आपके जीवन के लिए है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वैसे वैल्यूज भी आपको मिले हुए हैं उस वैल्यूज को कार्य में लगाया निर्माणता से वो ईश्वर की दुआओं के पात्र बना देगा अगर उस वैल्यूज का भी अहंकार आ गया कई लोगों को अपने वैल्यूज का भी अहंकार आ जाता है तो ईश्वर की दुआओं के पात्र नहीं बनाता है तो एक है स्वयं स्वयं को दुआ देना दूसरा है अन्य लोगों से दुआएं प्राप्त करना और तीसरा है जीवन को उद्देश्य पूर्ण जियो और निर्माणता से उस वैल्यूज जो ईश्वर से हमें प्रदत्त हुई है उसको कार्य में लगाना यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स के भी पात्र बन जाना बहुत सुंदर हमारे एक भाई ने कहा खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है एक बात बताऊ ना खाली हाथ आए हैं ना खाली हाथ जाना है आप देखेंगे बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है उसकी मैं बहुत कुछ लेकर के आया हूँ जीवन में कुछ करने के लिए बहुत सारे ईश्वर द्वारा मुझे वैल्यूज का खजाना मिला है जिससे मुझे अच्छे कर्म करने वो लेकर आया जिससे इंसान जीवन में बहुत कमाई कर सकता है स्थूल भौतिक कमाई नहीं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करने के हिसाब से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए वैल्यूज का जो खजाना लेकर आया है तो भरतू हाथ आया है हां जाते समय ये हाथ ऐसे होते हैं लेकिन जाते समय भी हमारे हाथ ऐसे हो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि जाते समय भी हर कोई ये कहे वाह जीवन तो इसने जिया क्या कमाया है इज्जत कमाई है क्या उसने दुआएं कमाई है क्या उसने अनेकों को ये है भरतू हाथ जाना तो आए भी भरतू हाथ जाना भी भरतू हाथ है लेकिन उसके लिए वो एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक सेठ था और एक सेठ था तो बहुत पैसा कमाया खूब पैसा कमा रहे थे लगे हुए थे उसकी वाइफ जो है बहुत धार्मिक विचार की थी हर सत्संग में जाती हर सत्संग अटेंड करती थी और उसने अपनी वाइफ को कह दिया था आप जितना धर्म करना चाहो ईश्वर का सत्संग करना चाहो जो धार्मिक प्रवृत्ति करना चाहो करो मेरे तरफ से खुली छुट्टी है लेकिन कभी मुझे फोर्स नहीं करना वो नास्तिक था तो कहा मुझे फोर्स नहीं करना मैं नहीं आऊंगा आपको जहां जाना है आपको खुली छुट्टी है अब वो माता बिचारी जाती थी कई सत्संग होते थे वहां चली जाती थी सत्संगों में बैठती थी अच्छी बातें सुनकर आती थी प्रसन्न रहती थी भाई कभी जाता नहीं था अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में कोई बड़ा महात्मा आया तो जब बड़ा महात्मा आया तो सब लोग बोलने लगे कि महात्मा इतना पहुंचा हुआ है कि जो भी एक बार उसका सत्संग सुन लेना उसके अंदर विचारों में परिवर्तन जरूर आता है जरूर आता है तो ये माता को आया कि भाई मेरा हस्बैंड इतना नास्तिक है उसको जरूर ले जाना चाहिए ताकि उसके भी विचार कुछ परिवर्तन हो तो उसने घर आकर के कहा अपने पति को कि भाई ये महात्मा आए हैं आपको चलना है आपको चलना उसने कहा मैंने आपको कह दिया आप जाओ जहां जाना है मुझे फोर्स नहीं करना है कहा नहीं है। अभी जैसे दुनिया में कहा जाता है एक बाल हट होती एक स्त्री हट होती है तो स्त्री हट इतनी ज्यादा थी कि आखिर वो भाई को झुकना पड़ा कहा एक दिन आऊंगा मैं बस एक दिन आऊंगा कहा ठीक है एक ही दिन आओ लेकिन आओ तो सही अब गए वो वहां पर अब महात्मा जी ने कह दिया खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है अब ये भाई बड़ा परेशान हो गया तो इतना सारा मैंने धन कमाया किसके लिए मेरे को कोई बच्चे भी नहीं है तो क्या मेरे पीछे दूसरे यूज करेंगे तो मैं तो ये सब कुछ ले जाना चाहता हूं अगले जन्म में भी तो प्रवचन पूरा होने के बाद महात्मा जी को कहा महात्मा जी आपको विधि तो मालूम होगी मुझे वो विधि बताओ कि ये सारा जो मैंने कमाया है मैं किसी के लिए पीछे छोड़ने वाला नहीं सब ले जाना चाहता महात्मा जी ने कहा ऐसी कोई विधि नहीं है नहीं मैं सब कुछ ले जाना चाहता हूं यहाँ ये सब चीजें मैंने इतनी मेहनत से कमाया क्या दूसरे खाएंगे क्या वो तो वही होगा दूसरे ही खाएंगे कहा नहीं मैं ले जाना चाहता तो ऐसी कोई विधि बताओ बोले ऐसी कोई विधि नहीं होती है अब ये बेचारा व्यक्ति परेशान घर आकर के वो बहन को इतना डांट लगाया इतना डांट लगा इसलिए मैं सुनता नहीं हूं इन लोगों की बातें ये दिमाग को खराब कर देते हैं अब मैं सब कुछ ले जाना चाहता हूं और ये कहता है नहीं ले जा सकते अरे कोई विधि तो जरूर होगी उसके बाद तो हर एक महात्मा का प्रवचन सुनने जाता था हर एक महात्मा को कहे विधि बताओ कैसे ले जाऊं कैसे ले जाऊं अब हर कोई कहे ऐसी कोई विधि नहीं है फिर एक बार एक लड़का मिल गया वो लड़का बीके में जाता था बीके फैमिली में तो बीके फैमिली में जाता था तो कहा आपको ले जाना है सब कुछ बोले हाँ मुझे ले जाना है कहा है ना विधि है विधि है बोले जल्दी बताओ तुम मुझे ये सब कुछ कैसे मैं ले जाऊं तो कहा विधि यही है कि जैसे आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लो अब जितने की भी पॉलिसी आप लो उसके हिसाब से हर महीने प्रीमियम भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा प्रीमियम तो भरना पड़ेगा तभी पॉलिसी पकेगी नहीं तो पकेगी नहीं तो आपको ये सारा आप देख लो कितना है आपका उस हिसाब से इन, पॉलिसी निकाल लो और पॉलिसी निकाल करके हर महीने प्रीमियम भरो कहीं ना कहीं दान करो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य करो किसी को हेल्प करो किसी को कुछ करो सुदामा चावल मुट्ठी ले जाकर के भी महल ले सकता है है ना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं ये देखो और वो इन्वेस्टमेंट किस विधि से कर रहे हैं कितनी निर्माणता से कर रहे हैं अहंकार से नहीं होना चाहिए तब जाकर के उसका रिटर्न एक चावल मुट्ठी से महल मिल सकता है ले जा सकते हो सब कुछ ले जा सकते हो जो ले जाना चाहो ले जा सकते हो विधि मालूम होनी चाहिए और एक्यूरेट विधि के हिसाब से करो तो क्यों नहीं मिलेगा सब कुछ मिलेगा तो इसीलिए आज के बाद जैसे कहा जाता है कि जीवन के अंदर व्यक्ति हुँ? क्या कमा रहा है और किसके लिए कमा रहा है पहले ये महत्व की बात है वाल्मीकि जी की बात याद आती है कि वाल्मीकि जी कर्म ऐसे करते थे एक बार एक महात्मा जी को पकड़ लिया सब कुछ लूट लेते थे तो महात्मा जी को कहा जो कुछ है दे दो महात्मा जी ने कहा भाई किसके लिए कर रहे हैं कहा मेरे परिवार को पालना है इसलिए हम लोग भी किस लिए धन कमाते हैं परिवार को पालना है इसलिए तो महात्मा जी ने कहा जरा परिवार वालों से पूछ के आओ के जो आप पाप कर रहे हैं उस पाप में भी वो भागीदार बनेंगे पूछ के तो आओ क्यों नहीं बनेंगे उनके लिए तो कर रहा हूं मैं तो जरूर बनेंगे कहा पूछ के तो आओ तो सबसे पहले अपने माता पिता के पास गया कि भाई आपके लिए मैं जो कुछ लूट करके ला रहा हूं उसमें आप लोग भी खाते पीते सब कुछ हो है ना तो मेरे पाप का भाग, भागीदार बनोगे जब पाप भोगने का समय आएगा तो आप भागीदार बनोगे तो माता पिता ने क्या कहा रे बच्चे हम तो जल्दी चले जाएंगे तेरे से पहले जाएंगे अब हम कहाँ चले जाएंगे हमको क्या मालूम और तू उसके बाद कहाँ जाएगा हमको क्या मालूम और वहां तुम कैसे पाप को भोगेगा यह भी मालूम नहीं अगर मालूम होता तो तो हम जरूर आ जाएंगे लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो एक जन्म का साथ है एक जन्म के बाद फिर हम बिछड़ जाएंगे हम कहाँ होंगे तुम कहां होंगे तेरे पाप कर्म के भोगना के समय हम तो कहां होंगे तो कैसे भोग सकेंगे जवाब मिल गया पत्नी को पूछा भाई तू तो मेरी अर्धांगनी है जो कुछ भी मैं कर रहा हूं तेरे लिए तो कर रहा हूं तो मेरे पाप भोगने का समय आएगा तब तुम भागीदार तो बनेगी तो पत्नी ने क्या कहा भाई आप कहा होंगे मैं कहा होंगी ये तो एक जन्म का साथ है इसके बाद फिर हम बिछड़ के चले जाएंगे और जब भोगने का समय आएगा तो पता नहीं कहा होंगे तो कैसे मैं भोग सकूंगी आपके पाप कर्मों का फल जवाब मिल गया बच्चों से पूछा क्या पिताजी आप तो पहले चले जाएंगे आप कहां जाएंगे हमें क्या मालूम पड़ेगा जो हम वहां आए अगर मालूम पड़े तो हम आ जाएंगे पाप भोगने के लिए वो फल भोगने के लिए तो वाल्मीकि जी को पता चला कि कोई भी मेरे पाप कर्म के फल में भागीदार नहीं है तो परिवर्तन एक रियलाइजेशन बहुत बड़े परिवर्तन को ले आता है ठीक इसी तरह जिसके लिए हम कर रहे हैं जरा उनसे पूछना तो सही कि जो भी मेरा पाप पुण्य होगा उसमें आप भागीदार तो बनेंगे ना और अगर वो हां कर दे फिर भले आप खुश रहना जो कर रहे हैं उसमें नहीं तो जितना हो सके पाप के बदले पुण्य कमाओ ताकि आगे की यात्रा जो है वो सुखद हो सुखद हो है ना तो सुखद यात्रा हो ऐसे आपके जीवन की क्वालिटी हो कि आगे जब जाओ तभी भी आप सुकून अनुभव करो लाइफ में आगे की यात्रा तो भरतू हाथ आए भरतू हाथ ही जाना है यह विधि है तो इसीलिए कहा दुआओं की शक्ति से हाथ भरतू जाएंगे आ, बाकी समृद्धि तो आ जाएंगी आएगी जाएगी धन को कहा गया है लक्ष्मी कितना पवित्र डिवाइन नाम है उसका धन को कहा गया लक्ष्मी लेकिन वो लक्ष्मी के लिए कहा कि अगर सही तरीके से अगर उसको यूज नहीं किया तो लक्ष्मी को लक्ष्मी भी बन जाती है और कुलक्ष्मी के कारण जीवन के अंदर कई प्रकार की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है वो कुलक्ष्मी जब घर में आ जाएगी तो क्या होगा घर में परिवार के लक्षणों में भी कुलक्षणता आ जाएगी और वो कभी सुख शांति का अनुभव नहीं करने देती है इसलिए लक्ष्मी जब कहा तो लक्ष्मी को सुलक्ष्मी बनाओ कुलक्ष्मी तो ना बनाओ ठीक है ना ये है धन की रियल समृद्धि ये है बिजनेस की समृद्धि ताकि दुआओं का खजाना जितना हो तो वो लक्ष्मी और बढ़ती जाए हर जन्म में बढ़ती जाए यही है सुलक्ष्मी इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ